नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को नीट के काउंसलिंग के बारे में इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि नीट का काउंसलिंग किस तरह का होता है, कौन से डेट पर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और कहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ डेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है यूजुअली अगस्त महीने के आसपास होगा। तो मोपअप राउंड जो होता है वो एंडिंग में होता है, अगस्त के स्टार्टिंग में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस, लॉकिंग, कॉलेज का डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना होता है और आपको अगस्त में पता चल जाएगा अगर आपका एडमिशन होने वाला है या नहीं। फिर बाकी डिटेल्स जो है उस समय पर जब फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर मैं आपको सारे डेट्स शेयर कर दूंगा। ये वीडियो आपको जनरल आइडियाज़ के लिए है। अब हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसकी स्कीम क्या होती है। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स जो है आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फीस, ये सब डिटेल्स भर देनी है। सबमिशन ऑफ चॉइसेस, यानी आपको कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ये सब आपको भरना पड़ता है। उसके बाद फाइनल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा। तो फर्स्ट राउंड में यूजुअली कट ऑफ जो है काफ़ी हाई हो रहता है। अगर आपका 550 प्लस मार्क्स है तभी आपका फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होगा। कोई कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता है उसके बाद सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होता है। इसमें अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप वापस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका 520 के ऊपर है तो ही आपका सेकेंड राउंड में सीट मिल जाएगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है तो आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड भी कर सकते हैं, यानी अगर आपका कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये मुझे आपके साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन में शेयर कर देना है। उसके बाद सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होता है। नीट का यहाँ पर सेकेंड राउंड के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है डीन यूनिवर्सिटी रहती है उसमें जो मॉपअप राउंड भी रहते हैं, सेकेंड मॉपअप राउंड रहता है। अब मॉपअप राउंड क्या रहता है, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद काफ़ी सारी सीट्स जो है वैकेंट रहती है, तो उसी सीट्स को फिलअप करने के लिए जो मॉपअप राउंड होता है उसी को मॉपअप राउंड कहते हैं और उसमें जो कट ऑफ जो है वह काफ़ी नीचे चली जाती है। बस इतना सा इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था नीट की काउंसलिंग और शेड्यूल के बारे में। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो नीचे जो लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।